हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सारिका ड्राइंग एकेडमी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग फ्री हैंड स्केचिंग सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आप जो भी रेफरेंस ले रहे हैं, पहले उसे ऑब्जर्व करेंगे, उसे देखेंगे कि वो किस एंगल से बना है। आगे चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ आई से ड्रॉ करना शुरू किया है। अगर आप पहले आई ड्रॉ करोगे तो आई का डेढ़ गुना नोज होता है। फिर आप समझ सकते हो कि आ नोज कितना बड़ा करना है। फिर जो हेड होता है, जितना बड़ा आपका नोज होगा, फोरहेड हमारा उतना ही बड़ा होता है। तो इसलिए सबसे पहले आई से ड्रॉ करेंगे। मेरे पास यहाँ पे कोई भी रेफरेंस नहीं है जो मैं आपको दिखाऊं, ये मैं खुद से कर रही हूँ, लेकिन आप रेफरेंस से ही ड्रॉ करें। अगर आप पहली बार फ्री हैंड स्केच कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आपने जो रेफरेंस लिया है जिस साइज का, उसी साइज का आप ड्रॉ करें, ताकि आप बातों को सही तरीके से समझ पाएंगे। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे आई ड्रॉ कर रही हूँ। आप भी इसी तरीके से ऑब्जर्व करके, जल्दीबाजी में नहीं, देख के कौन सा एंगल किस तरफ मुड़ रहा है, ऑब्जर्व करके धीरे धीरे ड्रॉ करेंगे। अब मैं इसका नोज ड्रॉ कर रही हूँ। आप भी अपने रेफरेंस में देखेंगे कि उसका नोज कैसा है, किस तरीके से जा रहा है, ऊपर की ओर है, नीचे जा रहा है। आराम से पहले आप उसे ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, फिर आप उसको ड्रॉ करेंगे। आप बोर ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो को फास्ट कर दिया है। अगर आपके समझ में ना आए तो आप कोई भी सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। स्केच करते समय आप हमेशा ये ध्यान रखें कि हमेशा लाइट पेंसिल का ही यूज करें, कभी भी डार्क पेंसिल का यूज ना करें। जैसे HB 2B इन्हीं का यूज करें आप हमेशा स्केच करते समय। मैं हमेशा 2B पेंसिल का यूज करती हूँ। जितनी अच्छी आपकी स्केचिंग होगी, ड्राइंग आपका उतना ही अच्छा होगा। इसलिए हमेशा टाइम दें स्केच करने पे। आप देख सकते हो मेरी स्केचिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। फिर भी मैं ऑब्जर्व करके, जहाँ भी मुझे लग रहा है कि ये ठीक नहीं है, मैं उसे ठीक कर रही हूँ। आप भी ऐसे ही ऑब्जर्व करके, जब तक आपकी स्केचिंग परफेक्ट ना हो, आप उसे ठीक करते रहेंगे। अब मैं यहाँ पे शेडिंग करने के लिए 2B पेंसिल का ही यूज कर रही हूँ। हमेशा लाइट पेंसिल का यूज करके ही शेड करना स्टार्ट करें। लाइट करेंगे, फिर डार्क करेंगे।
हेयर देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें देखिए मैं लाइट पेंसिल का यूज करती हूँ, ये 2B है, मैंने 2B यूज किया। आप 2B से अच्छे से शेड कर लो। एक बात और, जहाँ पे आपको हेयर में लाइट दिखाना है, लाइट, वहाँ पे आप स्पेस छोड़ ही दो, वहाँ पे आप शेड मत करना। जैसे कि आप देख सकते हो मेरी ड्राइंग में, देखोगे मुझे जहाँ जहाँ हेयर में लाइट शेड देना था वहाँ पे मैंने लाइट छोड़ दिया। अब मैं यहाँ पे 4B पेंसिल यूज कर रही हूँ, आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा डार्क हो रहा है। अगर आपके समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, आप बेझिझक आप हमसे पूछिएगा आपके समझ में क्या नहीं आया। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको अच्छे से और भी अच्छे तरीके से समझा सकूँ। अगर आप बोलोगे ही नहीं तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि आपके समझ में आया या फिर नहीं आया। इसके लिए आपका बोलना बहुत ही ज़रूरी है। आपने देखा मैंने कितनी बार लाइट पेंसिल का यूज करके डार्क किया है हेयर को। आपको भी ऐसे ही करना है, अचानक से डार्क पेंसिल का यूज नहीं करना है, लाइट कर करके फिर उसे डार्क करना है।
आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।